पर जाते हुए एक बार पुनः रिवर की कोर्ट में सपना का खिलाड़ी रेड पर देखिए, चार का डिफेंस अमूमन चार या उससे कम खिलाड़ियों में थोड़ा पॉइंट निकालना कठिन काम है, लेकिन देखना यह है कि क्या करते हैं। डू और डाई रेड होगा 60 का स्कोर इस समय, बिल्कुल डू और डाई रेड पर थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, रेडर को अतिरिक्त जोखिम उठाना होता है। क्या खिलाड़ी स्ट्रगल करते हुए चार के डिफेंस में देखिए, चार के डिफेंस का मूवमेंट नंबर निकालना कठिन काम है, लेकिन ये टेस्ट करना चाहते थे खिलाड़ी। तो निश्चित तौर पर जो अपने पेशेंस पर काबू रखेगा, धैर्य से खेलेगा और करते हुए दो डिफेंडरों के बीच में रेडर देखिए क्या करते हैं और क्या दोनों को टच हुआ। रीवा के खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, देखना यह है कि क्या अपने साथी खिलाड़ी का रिवाइवल करवा पाने में सफल होते हैं या फिर ऑल आउट का लाभ उठाती है यहाँ पे सपना अकेडमी की टीम। लेकिन हम बात करें तो ये अंतिम खिलाड़ी है और बढ़िया के साथ ऑल आउट होती हुई। मार्गदर्शक मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री रहे सम्मानित श्री राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत अभिनंदन, काफी कस्मा का। हालांकि इस समय में रीवा थोड़ा सा लचर स्थिति पर है, 5 और 15 पर सतना अकेडमी और 5 पर रीवा। इस समय में अकेडमी के प्लेयर्स और ये जो इस समय में रेड कर रहे हैं ये तो बहुत ही खूंखार प्लेयर हैं, इनको पकड़ पाना देखिए नाई लपका लाग है जितीदार इनका, लेकिन लपका चाहिए ना तो है कोई साथ नहीं दिए बढ़िया। हालांकि बहुत प्रयास रत है हमारे रीवो के प्लेयर और पूरा मौका दिया उन्होंने, कोई मौका नहीं छोड़ते यहाँ पर। कसम से परेशान कर रहे हैं यार, 18-5 इस समय में 18 सतना पर और रीवा 5 पर। एक बार पुनः बहुत ही कसमाकस का मुकाबला यहां पर, अगर रीवा को अपने इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में बरकरार रखना है तो कुछ ना कुछ खास करना होगा, सूझबूझ का परिचय देना होगा और थोड़ा धैर्यता के साथ कहां से अंक निकाल सकते हैं ये अगर आप नहीं कर पाते तो धीरे धीरे आपके हथेलियों से यह मैच जाता हुआ। एक बार पुनः मैं यूथ क्लब बीड़ा की ओर से आए हुए समस्त अतिथिगणों का, आगंतुक जनों का, खेल प्रेमियों का और हजारों हजार की भीड़ जो ये खेल प्रेमियों का आनंद लेने के लिए यहाँ पर है उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से अगर उन सुन रहे हो माइक की आवाज तो उनसे मेरा निवेदन है केवल कोच बोलेंगे, नहीं तो कमेटी उसका निर्णय लेगी अगर किसी भी प्रकार की टेकिंग। पहलवानों और कुश्ती के जो हमारे कुश्ती और कबड्डी के प्लेयर्स हैं ये बजरंग बली के प्रतीक हैं। टू और दर्शक अपनी उपस्थिति का परिचय दें, एक बार हमारे बजरंग बली का जयकारा सभी लोग लगाएंगे। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत वीर बजरंग बली महाराज की जय। धन्यवाद। और इस समय में बहुत ही खतरा हो सकता था, बाहर की ओर गए मिलता हुआ 6 पर रीवा इधर से भी है। अब उसको समझाओ यार, एक्स्ट्रा मत करे वो चार जी बैठे आधार नहीं, उनको वर्ड माइक दे दीजिए वाला जान के फिर चढ़ा मैं ले लीजिए। अरे अरे हमारे आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि थोड़ा कमेंट्री का साथ था। अरे हट तू नहीं आई कहां, धन्यवाद लीजिए। तो आइए मैं आपको सीजन से नहीं आ रहा कि मां सबने अकेडमी के खाते में गया है तो निश्चित रूप से इस समय 5 खिलाड़ी पाले में है, अकेडमी के 5 खिलाड़ी पाले में है, 2-1 की टोली है और रीवा क्लब की ओर से डाला जा रहा है। आप देख रही है कि वो खाली हाथों पर से अपने पाले में और इस समय यहाँ पर बिल्कुल खुशनुमा मौसम है, थोड़ी थोड़ी हवा चलती हुई लहराती हुई और आज यूँ कहूँ की यहाँ की खुशियाँ जो है आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई। आपको एक जगह खड़े रहने थोड़ी का पूर्व मंत्री आज नई श्री वर्तमान विधायक
माधर चौथ प्रसान करे बुढ़ाऊ लगी माधर चौथ और उनके साथ एक मित्र मंडल भी यहाँ पर माधर चौथ और इस बच्चासी में सबको पूरे मंच को प्रणाम करते हुए आपको सीधे आपको देखा बताने के लिए उन लोगों के लिए जिन लोगों ने गली मोहल्ले चौराहे दुकानों गलियारों में बैठे हैं उनके लिए आज यहाँ फाइनल मैच खेला जा रहा है सपना भर के बीच लंबी खुशी के साथ एक अंक और आपके सपना एकाएक अकेडमी के खाते में गया तो इस तरह से आपके सपना अकेडमी के खाते में और साथ रीवा तो इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया यहाँ पर करने का प्रयास किया गया था लेकिन असफल रहे अपने पाले में है सुरक्षित आए वो और एक अंक और मिला उनका सपना के खाते में गया तो निश्चित रूप से इस समय यहाँ पर दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच खेला जा रहा है और दर्शकों की तादाद की बात करें तो हाँ निश्चित रूप से लगभग 8 से 10 हजार के आसपास और 21 आपके सपना अकेडमी के स्कोर और 7 अंक आपके रीवा के 4 खिलाड़ी हैं रीवा के पाले में और इस समय सपना की ओर से डाला जा रहा है 4 खिलाड़ी पाले में हैं उनके रेड के सम्मान में दो दो की टोली है देखना है इस दीवार को तोड़ पाने में सफलता हासिल कर पाते हैं कि नहीं लेकिन बहुत बढ़िया अच्छा कॉम्बिनेशन था खाली हाथ जाने के लिए व्यस्त किया खाली हाथ वापस अपने पाले में सुरक्षित इस रेड में किसी भी टीम के लिए कोई नुकसान नहीं और फिलहाल रीवा की ओर से लंबे गति का खिलाड़ी रेड डालते हुए सपना अकेडमी के पाले में 7 खिलाड़ी पाले में है दो की टोली है और इस समय देखना है जबरदस्त है रेडर लेकिन थोड़ा मनोवैज्ञानिक होगी क्योंकि उनका स्कोर 7 सपना अकेडमी का स्कोर 21 अंक और 7 अंक आपके रीवा के और इस समय दर्शकों में खामोशी है और इस समय बिल्कुल तो इस समय रीवा की ओर से डाला जा रहा रेड ड्रू और डायरेक्ट पर लेकिन कोई मौका नहीं था उन्हें पकड़ करके पछाड़ा था डायरेक्ट होगी ड्रू और डायरेक्ट पर है ये सुपर टैंकल का मौका है रीवा के पास अगर पकड़े जाते हैं तो 2 अंक मिलेगा और अगर खाली हाथ वापस आते हैं तो निश्चित रूप से और बहुत बढ़िया एक ऐसा क्षण था एक अंक आपके सपना अकेडमी के पाले में गए और एक समय था थोड़ी देर के लिए रीवा की ओर से डाला जा रहा है सपना के पाले में और पकड़ करके पछाड़ते हुए फिर से बाहर गए रेडर आउट और एक अंक आपके सपना अकेडमी के खाते में गया तो एक अंकों के साथ 24 अंक तो इस तरह से 24 अंक और एक खिलाड़ी है ये 1+2 की रस्म पूरी करने जा रहे हैं की रस्म सपना अकेडमी के खाते में गई घोसले बुरा बुलाए सर और इस समय रीवा की ओर से डाला जा रहा और पकड़ करके पछाड़ा बाहर का रास्ता दिखाया और एक अंक और आपके सपना अकेडमी के खाते में गए तो निश्चित रूप से इस समय 7 अंक आपके रीवा के और 28 अंक आपके सपना अकेडमी के तो निश्चित रूप से इस समय यहाँ ये फाइनल मैच खेला जा रहा है और पकड़ करके पछाड़ा कोई मौका नहीं था जैसा ही देखा कि सुस्त रेडर और पलके छपकी पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाया कोई मौका नहीं था और रेडर आउट एक अंक रीवा के खाते में गया तो इस तरह इस समय 6 खिलाड़ी सपना अकेडमी के पाले में हैं और ये छोटे कद के खिलाड़ी हैं गेहुआ कलर है लाल अपने सूट में है और ये देखिए कैसा रेड डाल रहे हैं रीवा की ओर से रेड डाल जा रहा सपना अकेडमी के पाले में देखना होगा खाली हाथ वापस गए कोई नुकसान नहीं इस रेड में और रीवा की सपना की ओर से डाला जा रहा है आपके रीवा के पाले में और इस समय 7 खिलाड़ी पाले में 2-3 की टोली है और दर्शकों में खामोशी है थोड़ी देर के लिए लेकिन देखना होगा कि बोनस क्या वो कर पाते हैं लेकिन एक बहुत अच्छा रीवा के खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन इससे रेड में देखने को मिल रहा है और दर्शकों में थोड़ा सा उत्साह जागा और हुडी किए और वो खाली हाथ वापस आए अपने पाले में सुरक्षित आए रीवा की ओर से डाला जा रहा है इस समय 6 खिलाड़ी पाले में 2 की टोली है और बहुत बढ़िया यहाँ पर खेल चलता हुआ और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने माइक का हाल जानने के लिए उनके लिए कि ये सपना भर से रीवा के बीच फाइनल मैच खेला जा रहा है और इस फाइनल मैच के हमारे जो आज यहाँ मुख्य अतिथि हैं वो आदरणीय पूर्व मंत्री
श्री शुक्ला जी विराजमान है, पंचासीन है और हमारे आदरणीय सिमरिया विधायक श्री के पी त्रिपाठी जी तो निश्चित रूप से और उनके साथ रीवा की ओर से डू ऑर डाई रेड होगा। रीवा की ओर से डू ऑर डाई रेड ये खिलाड़ी हैं और बिल्कुल बहुत बढ़िया खेल चलता हुआ और दोनों टीमों के हौसले बुलंद है, लेकिन इस मुकाबले में सतना के खिलाड़ी काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और एक और इस समय ये दो ढाई रेट पर है, रीवा के पाले में है और छह खिलाड़ी रीवा के पाले में इस समय उनके रेट के सम्मान में है। और देखना ये है कि जब वो दो ढाई रेट डाल रहे हो तब क्या वहाँ इसी बनाते हैं, क्या होगा है वहाँ पर। और देखिए उन्होंने ताल ठोकर के चुनौती दिया है, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल होगा कि क्या वो कुछ कर पाए हैं कि नहीं। अभी यहाँ से कोई क्या है डिसीजन क्या है तो इस तरह से एक अंकों के साथ 30 अंक सतना एकेडमी के और 8 अंक आपके रीवा के। तो निश्चित रूप से अगर यूं कहूं तो इस समय काफी संकट के बादल जो है रीवा के सिर के ऊपर आते हुए मध्यांतर का समय है। और धन्यवाद, बहुत ही सुंदर मुकाबला यहां पर सतना रीवा। अब देखिए रीवा यहां पर वापसी करती है कि नहीं। रीवा के लिए कहना चाहूंगा कि कौन कहता है आत्मा में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछाल ले यारो। अगर सही बात कही आपने, अगर अभी भी उनको मौका है अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर से अभी वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन जब इनके जोश साथ में आसमान पर हो तो रोक पाना इतना सरल भी नहीं। बिल्कुल डालते हुए इस समय में सतना एकेडमी के बहुत ही उम्दा खिलाड़ी और स्टडी वाले ने तमादर चौहान आवाज आ रही है। हाँ अच्छा ये रिकॉर्डिंग में है यार। वही बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। स्वागत करें, स्वागत करें भाई साहब। आने का हाल हमारे दिलराज पटेल जी। जी बिल्कुल खाली हाथ वापस आए थे खिलाड़ी रीवा के और इस समय सतना के खिलाड़ी कोर्ट पर हैं और मैं खाली हाथ वापस आए। डू और डाई रेड होगा रीवा की ओर से। डू और डाई रेड नहीं खिलाड़ी विपिन सिंह ध्यान देंगे। सात का छह का डिफेंस है मोना सोन उनके लिए बिल्कुल सात का है। तो देखिए क्या करते हैं डू और डाई रेड में खुद है रिस्क उठाया खिलाड़ी रहे हैं और एक समय आपने अपने मध्य भारत का नेतृत्व किया था आदरणीय गोकुल प्रसाद द्विवेदी जी, साथ में आदरणीय श्री के पी त्रिपाठी जी चचाई, आप भी चचाई से हैं, आप आर्मी के एक्टर रह चुके हैं इस समय रिटायर और इस समय साइकिल कर लिया गया।